किसी के गांव वालों के ऊपर कटाक्ष कौन करूं कि भाई मैं गांव वालों के ऊपर कटाक्ष करूं या मैं किसी के पंचायत के ऊपर कि मैं काम कौन दिखाने की वो करने लग रहा। लेकिन व्यवस्था यह है, अगर जब सेठ गांव के लिए पैसा लगा सके है तो गांव की वो युवा टीम भी खड़ी हो सके सेठ के साथ में। आदर्श गांव है, अगर आदर्श गांव है तो किमन किमें प्रशासन का भी और सरकार का भी बट्टा आमता होगा, सारा काम सेठ का बट्टा को नहीं आवा है। तो कृपया करके आप यो भी कराने की कोशिश करें कि दूर तक की व्यवस्था है या क्या कही जा सके। आप सभी से विनती है, जिसने वो लाल खटका नहीं दबा रखा वो लाल खटका दबा लो, आई बेल दबाया करो, घंटी घंटी दबाओ, वो गुट्ठा निशान दबा दिया करो और कमेंट जरूर किया करो भी वीडियो में किस तरह से हम सुधार और करें और किसकी वीडियो आप देखना वो है अच्छा है। तो फेसबुक को देखनी है, फेसबुक को लाइक करें पेज को, JNC पेज को, और यूट्यूब पे JNC यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे तक वीडियो शेयर करें। प्लीज़ आपसे विनती है। नमस्कार, मैं अजय, और 17 नवंबर का दिन हरियाणा के लिए, छोटी काशी के लिए व सुई गांव के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि देश के महामहिम राष्ट्रपति यहां पे उपस्थिति दर्ज करेंगे अपनी, देश की पूरे देश की इधर शान आन बान सब कुछ वो इस गांव के अंदर होगा। और ये सौभाग्यशाली गांव है सुई। अब सुई गांव का मैंने गौरवपट मिला कौन है, तो अड्डा बखड़े हो, अड्डा था पता नहीं क्या था, लेकिन यहाँ से शुरुआत है गांव की। अच्छा जी, ये बस स्टॉप है, बहुत अच्छी बात है। अब बस स्टॉप किसने बनाया है, इस बस स्टैंड का निर्माण श्रीमती महादेवी धर्मपत्नी श्री पनमेश्वरी दास जिंदल की यादगार में उनके सुपुत्र श्री कृष्णलाल जिंदल जी ने 2020 में बनवाया, काम करवाया। अच्छा जी, अब इसके साइड की व्यवस्था यह है, कृपया करके ये देख लो। अब यह गांव की जिम्मेवारी है क्या, किसकी जिम्मेवारी है पता को नहीं, और यहाँ स्लोगन लिखने से कोई गुंडा को नहीं बढ़ा, और यहाँ स्लोगन लिखने से कोई महापुरुष दानी को बढ़ा। और एक विनती इन पोस्टर वालों से, ये देखो ये पोस्टरबाजी भी ना करें, ताकि ये आपके गांव की धरोहर है। और एक विनती है, आदो एक चीज़ और ध्यानता हूँ, ये विनती है, ये गांव के पंचायत के द्वारा काम होया करें, वो काम करने की जिम्मेवारी होया करें। और जिसने भी महापुरुष ने बनवाया, किसकी यादगार में बनवाया, सब कुछ बनवाया, आपके गांव सुई के लिए बनाया, तो प्लीज़ करके इसकी थोड़ी झाड़ू बाड़ू कर दिया करो। गांव के विनती है, उन युवाओं से विनती है जो सुते पड़े हैं, और अगर प्रशासन का काम हो, सफाई कर्मचारी ड्यूटी हो, तो वो भी करके जाया करो, जरूरी है। और वो देखो श्रीमती महादेवी धर्मपत्नी श्री पनमेश्वरी दास जिंदल की यादगार में वो गांव के लिए वो लगा रखे हैं बेंच, बैठने के लिए बहुत अच्छी बात है भाई। राग ही राव है, कुछ बैठ जा कुछ ना बैठा भाई, अपने व्यवस्था बन सकती है। अड्डे के ऊपर गया रुक रुकते होंगे चुराया है, तो यहाँ की गाँव की व्यवस्था, सफाई कर्मचारी है गाँव में है या कौन है पता को नहीं, लेकिन आप जिंदल साहब आपसे एक विनती और है, अगर आप जगह जगह आज गांव के अंदर आज अपना श्रीमती महादेवी धर्मपत्नी श्री ये पनमेश्वरी दास जिंदल दिखा रहे, क्योंकि ये नाम भी आपका आज गूंज रहा छोटी काशी के अंदर, तो कृपया करके आप पर्सनली तौर पर भी इस तरह के काम करवा दो। अब आप आए हो तो यह व्यवस्था यह है कि आप 11 नवंबर टाइम दिखा देता हूँ आपको, 10 नवंबर और 11:42 गूगल टाइम हो गया। और आज की व्यवस्था यह है, अब प्रशासन है पूरा उरा आ रहा होगा, तो कृपया करके इस जोड़ी का पानी भी देख लेना चाहिए था प्रशासन को, क्योंकि DC SP पूरा सामान उरा आ लिया, क्योंकि पता नहीं कि क्या आया होगा, लेकिन आज यह व्यवस्था है इस गांव के जोड़ की। तो करके अगर यह तो उसका तो यह भी दुरुस्त करने की कोशिश करें, ताकि गांव के अंदर मच्छर ना फैले, मलेरिया डेंगू इस तरह का कोई बीमारी ना फैले। लेकिन व्यवस्था यह है इस पानी की आज की, और पत्थर मार के दिखा देता हूँ कि कोई होता है झूठ बोला था, ये देख लो काय भी मच्छर खड़ा काला, सारा काला पानी हो रहा है। अब इसके आसपास के घर की व्यवस्था की है वो अभी देखूँगा। महापुरुष ने करवा दिया, प्रशासन से विनती है जो बाट्टा हो वो भी कराओ, पंचायत का बट्टा हो वो भी कराओ, और जो गांव के हिसाब से लगना चाहिए वो भी कराओ। एक आम आदमी आ गया, रुक भाई एक मिनट जा,
नमस्ते। नमस्कार सर, क्या नाम है? सुंदर राम सर। सुंदर है, सुंदर। हाँ जी बोलो। बड़ा क्या महीना हो गया? दो हो गया, सादा की उठने है भाई। तेरा बालक बड़ा जवान हो गया है। अच्छा हाँ, सही तंदुरुस्त है। हाँ बढ़िया। काम की व्यवस्था क्या है? काम धंधे में मन तो काम धंधे भाई ठीक भाई। मैं साफ सफाई में भाई जिंदल के थ्रू काम चल रहा है। जिंदल जिंदल करवाओ है। हाँ। पंचायत हो आकर पूरी कमेटी भाई, गौशाला की कमेटी। ये तो जिंदल की कमेटी होगी ना। हाँ हाँ। और जो प्रशासन काम कर वो तो होए नहीं थोड़ा की बनना है भाई। प्रशासन तो काम का आपने बेरा है सारा। क्यों की बेरा बता भाई? बता सके नहीं वो तो भाई साहब। हां आदमी तो हां भाई साहब बता दे। जो जिंदल जिंदल है यानी सरकार कह लो जो कुछ करवा जिंदल है काम के लिए। हमारा जो काम भी करे काम की चीज कौन है? प्रशासन का कोई काम नहीं। प्रशासन का काम कौन है? आवे है तो देख जाए। राष्ट्रपति जी आओगे दौरा करना आओगे। हाँ बाकी भाई जो फिलहाल की जो तैयारी चल रही है। काला पानी कितने दिन का है? या तो भाई कदी नहीं जोड़ी बताओ। कदी नहीं काले पानी कर धोड़ा होया कोनी के ना ना कदी नहीं जोड़ी भाई। बाकी बारिश आप खेले जाना भाई। हां जी सीधा। हां जी बोन खड़ा सीधा जाओ सर। काम की थोड़ी गली इसी या कदी नहीं भाई बहुत पुरानी या कदी नहीं काम की तो गली गली भरी पड़ी पानी में यार बुड़ में की मानो हो ना ना भाई साहब। वहाँ तो कोई बात को नहीं। बाकी तो नाले नुले बन रहे बाकी भरे पड़े हैं। हाँ बाकी उनका स्टोर इसमें है। चलो इसमें आओ है। गंदा पानी काला पानी है। बता फिर सारी बता बेरा बोले तो भाई आगे ढूंढूंगा गौरवपट। लेकिन अब गांव के मौजूद आदमी हैं उरे मिल बैठे हैं तो भाई नमस्ते। कैसे हैं भाई? एक मेरा जवाब दे। नमस्ते जो बेंच रखवाया कितना सुथरा काम कर दिया भाई साहब? काम के लिए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सबके लिए है ये भाई। सबके लिए है। काम ने के करवा दिया पीछे देखाल यो ओ आकर बेंच का आगे पीछे यो भाई साहब दिक्कत के है जिस तरह ही हो ग्रामीण इलाका इसमें। अच्छा मैं वैसा का भी हो गया है डांगर डोर है जिस तरह ही आम आदमी है, है। अपना काम में व्यस्त रही जाए नहीं शहर की डाल भाई कर्मचारी भी होंगे गांव की तरफ लग रहे होंगे 50,000 लगा रखे। हाँ आप बाहर ना क्यों देखो तो। गांव के अंदर जाके देखो एक बार सफाई होने लग रही है। वो एक कावची है यार गांव की बात तो बटोटे बता दे। हम गांव की बात बटोटे बता दे। गांव तो सुतरा बितरगल ये बताओ तामी नहीं बात बताओ भाई हाल कर दिया था ना ये बात बताऊँ थारी तो भाई जो ले रहे हो तार पर टेक्नोलॉजी है सारी सुविधाएं हैं भाई तार 15,000-20,000-30,000 रुपये हम भी नए कमांदे भी हो गए जमींदार के है ये देखो सैम ये बसंटीर ये जो पड़ी उसकी काट के मैं आपने बताना रहे क्या इसकी वास्तव में सफाई नहीं होनी चाहिए किसकी सफाई होने लग रही है भाई साहब होने लग रही है ये डेली सफाई हो है तो डांगर जानवर है ना देखो ये ताज़ा पड़े हैं डेली आओगे तो डेली सफाई होनी चाहिए। नाम अपना है नाम किशोर गुज्जर। किशोर गुज्जर चलो अच्छी बात है धन्यवाद आपका। दिल्ली सफाई हो भाई साहब। अरे अच्छी बात अरे होनी चाहिए भाई साहब सफाई होनी चाहिए तो आदर्श गांव भी देख वास्तव में ये रियलिटी है तो आदर्श गांव जरूर है। अगर प्रशासन है सरपंच था है या कार्यभार है या कुछ नहीं है तो होनी चाहिए ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर एक एक आपका संस्था के लोग पैसा लगा रहे हैं तो गांव के प्रति प्रशासन का भी फर्ज बनता होगा और सबका फर्ज बनता होगा। आज राष्ट्रपति आवे तो वो जगह दिख रही और ऑडिटोरियम दिख रहा वो सब कुछ दिख रहा लेकिन जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी प्रशासन को आज दिखनी चाहिए क्योंकि डीसी एसपी पता नहीं यहाँ पे कितनी बार दौरा करके जाते होंगे। नमस्कार। नमस्कार क्या हाल है? ठीक है जी। की व्यवस्था मानो? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। बढ़िया कर दी। अच्छा बढ़िया करी किसने? जिंदल ने करी या प्रशासन सरकार ने करवाई? आदर्श ये तो सुविधा गांव में सुविधा जो चल रही है ये सेठ ने करवाई है जिंदल सेठ ने करवाई है। हाँ जी। तो प्रशासन का सत्ता का सरकार का कितना हाथ है इसमें योगदान है? प्रशासन तो जैसे सरकारी जो सिस्टम है उसकी मदद कर रहा है अभी सरकार की तरफ से कोई अड़चन ना आए उसमें। बाकी सरकार की तरफ से तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है अभी। ऐसा सिस्टम नहीं है। चलो सरकार का काम कौन दिखा? प्रशासन का काम कौन दिखा? लेकिन सेठ का काम दिख गया गांव में है। गांव में सेठ का काम है दिखा ना। हाँ। भाई वाह भाई होगी देख नाम के लिए दुनिया मरे है। नाम भी हो और काम भी हो कितने पीछे लगा देगा सेठ? सेठ तो लगा ही जगह पर बता तो रहा कि 25 करोड़ लाए। 25 करोड़ तो समझे लाग चुके हैं जी। लाग चुके हाँ लगभग 25 करोड़ ज्यादा भी हो सका है ऊपर जाएंगे। हाँ। क्योंकि सुविधा है सेठ इतने दिन लग रहे हैं तो युवा है डिस्कस करने लग रहे हैं। तो भाई साहब नमस्कार मिस्त्री है अजय मिस्त्री आगे हो जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार क्या नाम है? अजय जी। अजय कितनी बड़ी गांव की आबादी है गांव हो गई?
घनी बड़ी है जी यार, बढ़िया काम हो रहा है काम में। नहीं मैं बढ़िया बैठे के मैं बुझी को नहीं, 5500 के करीब वोट है। हां वोट है जी 4000 प्लस। अच्छा अच्छा, तो आज सेठ कितना बढ़िया काम करवाने लग रहा है? बहुत बढ़िया काम करवाने लग रहा है जी। एक एक नंबर के पार्क बढ़ा रखे हैं, एक नंबर के रोड हैं, बैठने के लिए अड्डे पे कुर्सी हैं, सभी प्रकार की सेवा है। यानी जो होनी चाहिए वो वास्तविकता में शहर की सुविधा जो काम दिन लग रहा है बढ़िया है। एक एक नंबर की वह है जो कुछ भी समस्या नहीं है हमारे। आप जाके देखो ना, आप जाके देखो, घूम के देखो। जाऊंगा ऐसे ऐसी सुविधा तो शहर के अंदर मुझे सब सुनो मुझे सब ऐसा है। मैं किसी की कटास नहीं करा, आप किसी की बात को कटास मत ले। मैं तो सिर्फ वो है जो प्रशासन प्रशासन के दायरे का काम हो, प्रशासन के दायरे का काम हो और दायरे का काम हो सब काम होना चाहिए। कोई कार्य नहीं हो रहा है यहाँ। ये बुझाओ। हाँ तो प्रशासन का कोई कार्य नहीं, जो कर रहा है ना वो सेठ जी कर रहे हैं। जो कुछ हो सारा काम सेठ है। तो यो सेठ की व्यवस्था है और यो सेठ का कार्यक्रम है जो चलने लग रहा है अपने नाम के लिए। तो वो वहाँ से दिखाऊंगा, वहाँ की व्यवस्था दिखाऊंगा जहाँ पे राष्ट्रपति जी आने लग रहे हैं और वहाँ पे गांव का आज गौरव तैयार हो रहा जगह के रूप में व स्थान के रूप में। तो एक व्यवस्था या भी गांव के अंडर ही आवे, चाहे कर्मचारी का आवे, चाहे सरपंच की आवे, चाहे किसी अधिकारी का आवे। अगर राष्ट्रपति का काफिला देख रहे हैं तो प्लीज कृपया करके आप भी अपना थोड़ा काम करें और इस तरह के थोड़ा साफ सफाई भी गाँव में कराओ। आदर्श गाँव है, अगर आदर्श गाँव है तो किमन किमें प्रशासन का भी और सरकार का भी बट्टा आमता होगा। सारा काम सेठ का बट्टा को नहीं आवे, तो कृपया करके आप यो भी कराने की कोशिश करें कि दूर तक की व्यवस्था या क्या क्या जा सके इस अड्डे के ऊपर, चौराहे के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ की व्यवस्था दिख रही है। उसी रोड पर हूँ और वो नाले थी गांव की और ये नाले हैं, खुले हैं भाई। पूरे गांव के जो मैंने वहाँ से चला था वहाँ से देखे तो ये नाले खुले हैं। अब खुले होने चाहिए नहीं होने चाहिए, एक ये गौरवपट के रूप में, जगह के रूप में, स्थान के रूप में, पूरे बोर्ड के रूप में ये बनाया जा रहा। और एक वास जगह थी जो मैंने आपको दिखाई थी, वह बस स्टैंड के रूप थी। और एक यह जगह बस स्टैंड की है, कम से कम यह साफ़ सुथरी बैठने जोगी जगह है, आदमी बैठ सका है। लेकिन अंदर की व्यवस्था वाह की वाह है। अब मैं किसी के गांव वालों के ऊपर कटास को करूं कि भाई मैं गांव वालों के ऊपर कटास करूं या मैं किसी के पंचायत के ऊपर कि मैं काम कौन दिखाने की वो कर लग रहा। लेकिन व्यवस्था यह है, अगर जब सेठ गांव के लिए पैसा लगा सके है तो गांव की वो युवा टीम भी खड़ी हो सके सेठ के साथ में कि व्यवस्था के अंदर उसका काम दिखे और सेठ के द्वारा कहीं ना कहीं और सार्थक पैसा लगे आपके गांव के लिए। लेकिन प्रशासन है आ रहा है, सब कुछ आने लग रहा है, जा लिया। लेकिन प्रशासन ने यह जगह कौन दिखी है कि पता राष्ट्रपति जी आऊँगे या टपा देंगे बेरा को नहीं, लेकिन टपेगा क्योंकि आज 10 नवंबर होगी और व्यवस्था यह है। और गांव वाले चाहें तो ये इस व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक कर सके हैं। व्यवस्था खराब है। चलो अब नमस्कार, इसी गांव से है? नमस्कार, इसी गांव से? हाँ जी। हैं क्या किराया करो? ये सोप है, खेती खेती बाड़ी है। गांव कितना बड़ा आपका गांव? जी ठीक ही ठीक है जी। ग्रामीण बैंक भी गांव में है? ग्रामीण बैंक है। तो भैया आगे भी बना दिए पार्क। अब ये देखो पार्क भाई, हकीकत है शहर के पार्क ने माफ़ करा है, चाहे वो भिवानी का पार्क हो, भिवानी को सा पार्क यहाँ पे मिला लो, कुछ नहीं है इसके आगे जो आज इसकी व्यवस्था है। ये वो गांव की बात तो बटोड़े बता दे हैं, तो जो व्यवस्था होगी बात तो गांव की देख रेख के अंदर जो काम होया जिस संस्था के अंदर होना रहेगा वो तो वही व्यवस्था बता देगी। अब वो प्रशासन के हाथ में है, वहाँ पर सरकारी कर्मचारी आए हुए हैं, यह सेठ का हाथ में लग गए, तो इसकी व्यवस्था भी है और चार चांद भी हैं। वाई करनी है बिड़लारी चल मतलब चलने लग रही सेठ की, अच्छी बात है। और गांव के गौरपट को ढूंढ ढूंढ था, यो गांव का गौरपट आ गया। अब गौरपट पे अभी क्यों लिखवाया को नहीं है, लिखा जाएगा अब के लिखा जाएगा पता को नहीं। मन लगे उस पूरा गौरपट सेठ का नाम तो भर जाएगा जी साहब, सेठ काम करने लग रहा है। नमस्कार नमस्कार है, ये बात तो है, सेठ की करनी रुकी को नहीं, काम खतरा है ना जी। कौन रुके जी,
बल्ले बल्ले जी लिखवा जाएगा जी, गवर्नमेंट बड़े बढ़ा के गए थे, डिसिप्लिन बढ़वा था शायद, ये गवर्नमेंट का ही कुछ बढ़ाएंगे जो कुछ भी। हाँ जी, तो गांव की विशेषताएं, गांव की उपलब्धि, गांव के खिलाड़ी, गांव के महान आदमी पुरुष आदमी यहाँ पे लिखे जाएंगे। बिल्कुल लिखे जाएंगे जी, ये नेम बोर्ड बन रहा है उनका, यहाँ भी लिखा जाएगा। यो कमड़ा सेठ बनवा है? हाँ सेठ बनवा रहे, जो सेठ बनवा रहे हैं। हाँ जी भाई, सेठ दादा काम में गदर कर। हाँ गदर जी बिल्कुल, जोरों से काम चल रहा है। लागे को नहीं, ये गोरपुर तो सेठ की काम मत नामा तो भर जाएगा। हाँ जी बिल्कुल भरेगा जी, नामा तो भर जाएगा, उसके कर्मा तो भरेगा, काम मत भरेगा उसके, जो भी काम, जो भी काम कर। और काम में क्यों उपलब्धि देखी जा सके सेठ के अलावा? सेठ के अलावा कुछ भी देख लो साहब, झील बनवा रखी है, सुकून बनवा रखी है। हाँ हाँ चलो बस, अभी काम के इस काम का मिस्त्री तो बाहर का लागे। नमस्कार, सेठ के अलावा कोई ऐसा और भी नाम है जो शहीद में हो, खिलाड़ी में हो, जो गांव की उपलब्धि वास्तव में होती हो? स्टेडियम बनाएंगे जी, स्टेडियम ठीक कराएंगे, स्टेडियम, स्टेडियम हाँ, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा हाँ ये सेठ कराएंगे। हाँ चलो, कहाँ पे वो स्टेडियम और हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो उधर है। उधर है हाँ। तो यो के है, ये तो है, यो पार्क और यो के आगे आगे के इसका है? अच्छा आगे गांव की दशा बना, गांव की गली है। ले भाई देख लो, जो सरकार होते हुए वो कौन नहीं कर पावे शहर के लिए, गांव के लिए, और उरे एक संस्थान है, उरे सेठ का नाम ने और पैसा ने आज यो सार्थक काम कर दिया। अब ये गांव के लिए तो धरोहर तैयार होगी, अब गांव वालों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है इसके प्रति कि अब इसकी साफ सफाई देख रेख आप भी उतनी करें जितनी सेठ ने बनवा के दी है। गलत तो नहीं कर दी? ये बजट में भैया, बजट में ये था, ये ऑडिटोरियम बना दिया। हां ये भाई यो के बना है रे, ये कॉलेज था, ये अच्छा कॉलेज था। एक वो मेन अड्डा था चौराहे वाला, एक फिर अड्डा और आया था वहां पे बात करी मैंने आपको, नाले दिखाए। तो अब सेठ का काम दिखाना टाइम आ गया कि सेठ ने अपने गांव के लिए, अपने छोटी काशी के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए किक उपलब्धि का काम कर दिया। इस ऑडिटोरियम एवं क्लब का निर्माण वो श्रीमती महादेवी धर्मपत्नी श्री परमेश्वरी दास जिंदल की यादगार में उनके सपुत्र श्री कृष्णलाल जिंदल ने बनवाया भाई। तो वास्तव में यह देखें गांव की उपलब्धि इस गेट की तरह दिख रही, और सेठ का नाम भी कहीं ना कहीं इस गेट से ऊंचा दिख रहा है ऊपर। तो ये ऑडिटोरियम का बाहर का नज़ारा है जो जा सका है, इसे बोलते हैं ऑडिटोरियम। अब ये लगता है कि ऑडिटोरियम यो सुई गांव की बजाय चंडीगढ़ में बैठे हैं, क्योंकि वहाँ की फीलिंग अगर लेनी हो तो आप सुई गांव में आके देख सकते हो। बस कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए उस इंसान की, उस परिवार की, उस संस्था की या उसकी। तो इंचार्ज साहब बैठे ड्यूटी पे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति साहब आएंगे तो उनकी ड्यूटी लग चुकी है। नमस्कार। नमस्कार जी, साहब बात तो करनी पड़ेगी। हाँ जी, कितके हुआ? मेरा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, सी एम सिटी रहे यहाँ तो गाँव गड़ा सी एम सिटी है। हाँ जी, वास्तव में लग गया कि आज सार्थक पैसा लग रहा है, वाक्य में लग रहा है। अच्छा, यानी जो आदर्श गांव बनाया था कागता में वो आज दिखा है कि आदर्श गांव यो है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग, क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल अच्छा। अच्छा चलो, अच्छा लगता है। तो अंदर हाल है, चलो अंदर का नज़ारा और दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, बना को नहीं है, काम चल रहा है। तो ये नज़ारा है आज ऑडिटोरियम का, जो रियलिटी में देखा जा सका, लिप तक लगा रखी है सेठ ने, अच्छी बात है। मैं किसी सेठ की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं किसी गांव की बड़ाई नहीं कर रहा, जो चीज़ है वास्तव में वो दिखा रहा हूँ, चाहे वो काम सेठ का हो, चाहे वो काम संस्था का हो, चाहे वो काम प्रशासन का हो, चाहे वो काम किसी और अन्य लेवल के से हुआ हो। तो ऑडिटोरियम है, क्या क्या बना दिया उसमें ऊपर नीचे? सब कुछ है जी, सब कुछ, मतलब काम चल रहा है, जो बच गया वो। अच्छा, बाकी मिस्त्री हो? हाँ जी, हाँ जी मिस्त्री है, प्लम्बर। वाह भाई वाह, काम चल रहा है। तो लिखा दो ऑडिटोरियम की खुशबू, एक सार्थक काम से एक इंसान ने क्या को क्या बना दिया, सिर्फ सार्थकता की सोच के कारण। तो पता नहीं कितने दिखाया, अब दिखाता हूँ आपको मैं जन्नत। जन्नत हो उस सार्थक काम की जो आज वास्तविकता में ही दिख रहा दरा के ऊपर गांव सुई के अंदर, प्रशासन का कहो, ठेकेदार का कहो या फिर सेठ का कहो। क्योंकि हमारी छोटी काशी के अंदर भी 5 से 6 जिलों का सौंदर्यकरण तो हुआ, जोड़ों का सौंदर्यकरण हुआ, लेकिन वो झील और ये झील में दिन रात का फर्क है। और इस झील का नाम है कृष्णा झील सुई आदर्श गांव।
और यह झील की सुंदरता और उसके लिए विशेष लिखे हुए कि भैया इन बातों का कृपा करके ध्यान रखें, ये गांव भी आपका है और यह झील भी आपकी है, अच्छी बात है। तो यह झील की अंदर की सुंदरता शुरू, तो यह झील की अंदर शुरुआत में दोनों तरफ लगे हुए और इस साइड में झूले झूले और भी लगे झीलों के अंदर, लेकिन एक ये झूले हैं और एक ये व्यवस्था है जो आज देखती देखी जा सका है। अब गांव के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, कौन कौन हैं अभी तो ये बताओगे, लेकिन वो बात मैं शुरू में कही थी कि गांव की बात तो गांव में बताओगा। चले तो आप प्लीज कुर्सी मंगवा ले जाए, सौभाग्य उस काम का, क्योंकि ऐसा है कमेटियाँ संस्थाएँ बनती हैं लेकिन नाम के लिए पता नहीं काम के लिए, लेकिन आज सुई गांव के अंदर जो संस्था बनी हुई है जिंदल परिवार के थ्रू, वह कमेटी भी काम पे है। और बात करूँ सही 12:25 की मेरी घड़ी के अंदर तो पूरा प्लान निकला रहे हैं झील के अंदर बैठ के किस तरह से प्रोग्राम होगा, क्योंकि प्रशासन भी आले है जाले सारे काम कर ले, लेकिन जिम्मेवारी तो कंधों पर आपको ऊपर रहेगी सर, मान सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। तो के गाँव के उपलब्धि कर दी और के काम के अभी सपने हैं? उपलब्धि में तो गांव के लगभग काम पूरे कर दिए उन्होंने, बाकी आगे भी वो बहुत कुछ काम करने के लिए तैयार बैठा है। वो सरकार से परमिशन चाहता है भी, मैं उन्होंने 100 करोड़ तक की ऑफर दे दी काम में, चाहे उसका स्पोर्ट्स का कोई बड़ा ले लो, चाहे मेडिकल का कोई बड़ा ले लो, मैं तो स्ट्रक्चर सारा तैयार करके दे दूंगा, चलाओ उसने सरकार, उसकी ये इच्छा है भी, मेरी क्यों यहाँ बम्बई से आके मैं उस काम को चला नहीं सकता, इसलिए सरकार यदि उसको किसी चीज़ की परमिशन दे दे तो काम और कर देगा। बाकी उसने ये भी कह रखा है छोटे मोटे काम जो हैं कमेटी के जिम्मेदार रखे हैं भी, कमेटी वाले जो भी चाहते हों भी, कोई 1,00,000 का 2 करोड़ का 1-2 करोड़ तक के काम बाकी हैं। तो आपके गांव जो आदर्श गांव है, जो आदर्श गांव तो है रत बने बने होगा कई सालों पहले बने, वर्षों पहले बने, तो कब बना था इस आदर्श गांव में? आदर्श गांव में, आदर्श गांव बताऊँ आपने, मैं आदर्श गांव जब मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को जी वहाँ घोषणा करी थी भी सभी एमपी एक एक गांव को अपना आदर्श गांव बनाओ अपना हल्के का, उसी टाइम महाराज सेठ के दिमाग में आई क्यों ना हम अपना आदर्श गांव खुद बना ले। अच्छा। तो उनने हमारे गांव के मौजूद आदमियों के पास फोन किए, तो उसमें मैं भी शामिल था और हमारे साथी थे, तो उनने ये कहा कि भाई तुम मेरी यदि काम को संभाल लो तो अपने गांव ना अपना आदर्श गांव बना लेंगे, हाँ गोद आप ले ला, हाँ खुद बना लेंगे, सरकार की बात कौन देखा। तो हमने उसको यस कर दी, गांव इकट्ठा हुआ सेठ आगे, अगस्त की बात थी सितंबर में आ लिए थे, तो उन्होंने कहा अभी ठीक है हम तैयार से सरकार से परमिशन ले लेते हैं, क्योंकि हम आदर्श गांव बनाना है तो तोड़ा फोड़ी कई चीज़ आ जाती हैं उसमें, तो उसने उसी दिन से वो काम शुरू करवा दिया। तो 2 अप्रैल 1915 जो आदर्श गांव तो शेठ ने गोद ले लिया, काम भी शेठ करने लग रहा है, तो इसमें सरपंच की भूमिका कितनी रही काम के दौरान, काम 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 की व्यवस्था के लिए? सरपंच तो अपने हिसाब से होता है, सरपंच तो कोई खास इंटरेस्ट तो सरपंच तो वह बात से मुंडली कह जाते हमारे 2 मेंबर भी बैठे हैं, देखो मैं तो स्पष्ट कहूँ सरपंच आजकल करते हैं ठेकेदारी है, उन गांव का काम हो ना उसकी कोनी, उन पैसे मिले हैं तो काम कर लें अपने वो नहीं है, लेकिन बाकी ठीक है वही पंचायत भी हमारा सहयोग मित्र ही है, लेकिन उतना इंटरेस्ट सरपंच का नहीं रहता जो सरकार का पैसे का। पंचायत से हो रही तो क्या सार्थक काम सरपंच द्वारा हुए आपके काम तो यहां ला कुर्सी सार्थक का तो नहीं कहते, लेकिन सहयोग थोड़ा बहुत रहा, कहीं नाराजगी भी रही राज्य भी रही वो तो रही, लेकिन हमारी कमेटी थी जहाँ मेंबर साहब ये हाँ जी अड़े साल होता मिल गया हम तो गांव की करीब अड़े मिल गई, आपके कार्यकाल के अंदर भी संस्था काम करती रही है? हाँ जी करती है। और आपने सरकार के द्वारा जो योजना मिली है वो आपने संस्था का साथ दिया? साथ दिया है। तो क्या अब की बार जो सरपंच में आपने साथ देखा है उस सरपंच साथ दिया, किस तरह पैसा सार्थक लगाया काम के लिए कि सेठ सेठ ने लगाया? फिलहाल वर्तमान में सेठ जी का काम हो रहा है जितना भी हो रहा है, ग्राम पंचायत को मतलब इस बार कोई मतलब सहयोग नहीं मिल रहा है इसको कमेटी को। अच्छा। सारा जितना भी पैसा या जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेठ अपने हिसाब से कर रहे हैं, मेन जो सरपंच है मैं कार्यवाहक सरपंच रहा था पहले, अभी वर्तमान में जो सरपंच है वो यहाँ के मिल नहीं रहा कमेटी से कोई किसी प्रकार की मदद। अच्छा, नहीं देखो मैं किसी सरपंच के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन क्या था उसने पंचायत में मैं आपके अड्डे पर रुका ना तो वहाँ पे एक बस स्टॉप है, कल ही लोग उन्होंने साफ सुथरा बन रहा है, नाम पता नहीं बोर्ड कौन लाग रहा है किसी का, लेकिन उसके अंदर जाले लाग रहे हैं और गंदगी पड़ी है, और ये काम तो पंचायत के अंडर आओ जो मेंबर है पंचायत के अंदर में है, नई गांव में पंचायत के चार कर्मचारी भी हैं। अच्छा।
सफाई के लिए, और गांव ने भी लगा रखे हैं, वैसे गांव ने अपने लेवल के ऊपर लगा रखे हैं 12 कर्मचारी, टोटल 15 कर्मचारी लग रहे हैं। सेठ जी ने सफाई के लिए ट्रैक्टर डंपर ट्राली दे रखी है, उसके लिए सफे से एक आदमी लगा हुआ है। चले, एक आपके गांव के जो नाले हैं वो उगाड़े पड़े हैं, क्या कहेंगे, नाले और नालियां उगाड़े पड़ी हैं। नाले नालियां तो ऐसा है ना, मान ले पानी निकासी का प्रबंध है नहीं, वो हो जाएगा, सेठ जी नाम रखिए उसकी, वो काम भी सेठ करवाएगा, बिल्कुल सेठ जी करवाएगा। सरकार प्रशासन की मांग ले, प्रशासन हमारे कोई जरूरत को नहीं, सेठ जी करने लग रहे सारे काम। चलो बने रहो सेठ जी, तो थोड़ा झील जाके दिखाओगे, आ जाओ, मैं थोड़ा बताऊंगा सारी बातें। हाँ तो चलते चलते बात करें, झील दिखाओ, आ जाओ आ जाओ, झील भी दिखा देगा ना। नहीं आपा तो बात करनी, सार्थक बात करनी है, जो गांव के इतमा हो, गांव के लिए हो। ये विवाहने के अंदर भी 5-6 झील बनी हैं, आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, हैं। तो यह भी एक झील बनी है, तो इस झील के अंदर आदमी का आमते का झील आ गया है, और वहाँ पे खड़े होने का जी कौन कौन करेगी, वह व्यवस्था देखी जा चुका है अभी तक की। तो बस एक लगाने वाला पैसा सार्थक रूप में, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे वो सरकार हो, लेकिन करने की अगर नियति हो ना तो वो काम सार्थक हो जाए है। मैं यह बात पूछ रहा हूँ, गलत कही मैंने कोई? अभी मैं आपको बताऊं, जो भी एक निजी ये गांव बनाया गया भारत के अंदर, स्व प्रेरित गांव, भारत का पहला गांव है ये। सुई सुई स्व प्रेरित का मतलब खुद के पैसे से डेवलपमेंट करना। अच्छा, और सरकार का इसके अंदर यानी कि जो योगदान जो सेठ चाहते थे भाई, जो हम सरकारी कोई भी चीज प्रोजेक्ट ले आए उसमें सरकार का सहयोग जरूरी होता है। जी जी जी। लेकिन अभी तक जो सेठ चाहते हैं कि कोई भी मैं एक इंटरनेशनल स्टेडियम जी 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 बनवा दूं, यहाँ सरकार इसकी यानी कि मान्यता देते मान्यता दे, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ मान्यता सरकार ने दी नहीं है। वो एक प्रपोजल है सेठ ने रखा है सरकार के पास पिछले दिनों, हाँ 2 महीने पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कोई भी स्टेडियम यहाँ पर बना दिया जाए। अच्छा, बना दिया। सरकार ने परमिशन दी को नहीं है? हाँ, अभी इसका डिक्लेरेशन नहीं हुई है। अच्छा। साथ ही जो सरकारी और पैसा खर्च करने में जी, जो अगर सरकारी जो लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च हुआ जी, अगर जो सेठ का जो डेवलपमेंट आप जो देख रहे हो ये ग्राउंड पर जी जी, अगर ये सरकारी पैसा इसके अंदर लगता तो इतना डेवलपमेंट नहीं हो नहीं पाता लगभग, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार का एक सिस्टम है वो किसी से रुक नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर कमीशन होता है। लेकिन यहाँ जो सरकार का जो सेठ का सोम का पैसा है वो 100% पैसा लगा है, यानी संस्था बना दी, संस्था ने सही पैसा सार्थक लगा दिया। हाँ, वो 100% यानी कि यूज हुआ है, जिसके अंदर आप अलग से ये देख रहे हो ये कितनी बड़ी झील है, लगभग ये 6 एकड़ में झील है। अच्छा। और इसका प्रत्यक्ष में आप देख रहे हो इसके अंदर नौका विहार भी है, रेस्ट हाउस भी बन रहा है और किचन भी है, उसके अंदर बैठ सकते कोई भी पर्यटक आए। पर्यटक की लिहाज से ये मेरा जहाँ तक ख्याल है भिवानी के अंदर भी इस प्रकार का यानी कि झील और पार्क नहीं मिलेगा। नहीं सर, अगर गौर से देखा जाए तो कम नहीं मिलेंगे। हाँ। 6 जिलों का सुंदरकरण वहाँ भी हुआ था, 6 से 5 जिलों का जोड़ोगा, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ जहाँ से आज आपका काम दिख रहा। और एक जो बिछवान जोड़ है भिवानी के अंदर हुआ तो किसी संस्था ने गोद ली है, तब जाके उसका सुधार शुरू हुआ है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये हकीकत है भाई, काम सेठ का हो, संस्था का हो, गांव का हो, किसी का हो, सरपंच का हो, सरकार का हो, अगर काम सार्थक दिख जाए ना तो उसकी वाह वाह करते आदमी छका को नहीं। और ये पार्क खत्म को नहीं होने लग रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग सारी खत्म होगी, किस्ती में लगा दी। हाँ, ये क्या है जो झील के अंदर ये सेठ द्वारा चार नौकायान है, नौका विहार करो बच्चे, यानी कि बच्चों के लिए है खासकर। अच्छा, इसके ऊपर हमने 10 रुपए टिकट लगाई है। अच्छा, 10 रुपए के लिए आधा घंटा इनके अंदर बैठो। अच्छा, और घूमो, घुमाते ही हैं। हाँ, घुमाते हैं इनके, हाँ ये चलती है चालू हालत में। शाम को एक कोई एक लड़का जो मुकर्र कर रखे है वो आएगा, 10 रुपए के टिकट पर्ची काटेगा और आधा घंटा इनके अंदर नौका विहार करो। तो ये चल सकते हैं अभी इसके अंदर आप चल सकते हो, चाबी कहो तो मैं चाबी मंगा देता हूँ। साथ में मैं ये आपके ये जो पंचायत के ये मेंबर है, हाँ, इनका एक विशेष योगदान रहा है पंचायत में, जो कुछ चंद आदमी थे, ये सुभाष मेहता है, ये हमारे एक सरपंच है रामपाल, इनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा। जब ये 8 महीने लगभग इनका कार्य योजना रही तो उसके अंदर इन्होंने सेठ का हर चीज में बड़ा अच्छा साथ दिया है। साथ ही ये आपको ये दिखा रहे हैं, ये रेस्ट हाउस है। अच्छा, नौका विहार के वो भी आपको दिखाएंगे। ये रेस्ट हाउस बना दिया। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे कोई आए बाहर से, कोई भी पर्यटक आता है। अच्छा,
बाहर से, बाहर से कोई भी पर्यटक आता है यानी कि वीआईपी, तो ये हमारा रेस्ट हाउस है। इसके अंदर चार कमरे ऊपर हैं, अच्छा जी, और दो कमरे नीचे हैं, अच्छा, किचन है और साथ में ये स्विमिंग पूल है। अच्छा, स्विमिंग पूल बना दिया? हाँ, अच्छा, ये स्विमिंग पूल है। अच्छा, और इसके साथ में जो कपड़े बदलने का जो वॉशरूम है, अच्छा अच्छा, ये साथ में वॉशरूम है, चेंजिंग रूम, अच्छा, ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल, हाँ, और ये चेंजिंग रूम है। कमाल कर दिया चेंजिंग रूम, हाँ ये, और इसके अंदर जो भी पर्यटक आए ये बैठने का स्थान है उनका, यह बैठो। चलो अंदर, आगे झील, पीछे बीच में स्विमिंग पूल, और फिर अंदर का नजारा है रेस्ट हाउस का। अब यहाँ पे आके आराम करो, आराम फरमाओ। और यहीं पे किचन है, जो किचन दे दिया भाई, यहीं पे चाय पानी लो, अपनी व्यवस्था लो। अब अंदर का नजारा और दिखा देता हूँ आपको, जो आज देखते देखा जा सके सुई गाँव के अंदर रेस्ट हाउस का, झील के अंदर जो बन रहा है। अच्छा, ये कमरा, ये कमरा, ये बना दिया, वाह भाई वाह। अच्छा, पीछे बेडरूम आ दिया, ले भाई सब सुविधाएं जो एक फाइव स्टार होटल के अंदर होने चाहिए, वीआईपी गेस्ट के लिए, वीआईपी आदमी के लिए, जो आम अधिकारी आओ, कोई आओ, कोई आओ, संस्था से आओ, कोई आओ, जो अपने आप में गरिमा हो, वो गांव की दलाबी देखे, गांव का माहौल देखे, और वीआईपी आईपी आनंद का मजा ले, जो अपने घर के अंदर होटल अंदर वो लिया आ करें। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं है, आप यहीं से चल के बाहर की बालकनी के अंदर जाके बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। भाई सोच बड़ी हो तो कभी भी स्वर्ग बना लो, अगर सोच नहीं है तो वो कभी भी कुछ नहीं बनता। एसी, अलमारी, सब कुछ ही सुविधा के अंदर है। भाई सेठ ने चार चांद लगा दिए। तो इस झील का नाम है, वो सेठ जी, सेठ श्री कृष्ण जिंदल जी की धर्मपत्नी, उन जिनका नाम है कृष्णा देवी। अच्छा अच्छा, ये झील का नाम उन्हीं के नाम पर रखा है, कृष्णा झील। अच्छा, और उन्होंने गांव में लगभग 2,500 के लगभग पेड़ पौधे लगाए गए। अच्छा, 2,500, हाँ, 2,500 पौधे यहाँ पर, और हर्बल पार्क है साथ में। अच्छा, अच्छा। और शहीद पार्क है, हाँ, उसके अंदर, और ये जो छोटे पौधे जो बीच में आपने दिख रहे हैं, जी जी जी, ये सभी यानी कि उन्हीं लगाए हैं। अच्छा, उनकी पत्नी की दिलचस्पी है कि पौधे देख रहे, पौधे, हाँ, काफी इंटरेस्ट है। आदर्श आते भी हैं, खुल गया क्यों? चलो, तो मैंने आपको आदर्श गांव दिखाया सुई के रूप में, और इसी रोड पे जो व्यवस्था थी सारी इसी रोड पे बन रही है, वो जो बाईपास बोल रहे हैं, जो उसको गांव का बार बार बोल रहे हैं, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे आपका वो जेल हो, चाहे शहीदी पार्क हो, वो यहीं था। तो वास्तवता में आज सेठ का काम दिख रहा और पूरा गांव सरा रहा, चाहे आम आदमी के रूप में हो, चाहे वो कमेटी के रूप में हो। तो ये व्यवस्था थी, मेरा कोई मतलब किसी के ऊपर, सरपंच के, किसी अधिकारी के ऊपर कटा सकने मतलब नहीं था भाई। व्यवस्था थी जो गांव के अधिकारी द्वारा दी जा सकती हैं टाइम टू टाइम। तो ये व्यवस्था थी, चाहे उसके अंदर अधिकारी थे, चाहे उसके अंदर सरपंच था, चाहे अंदर जो सेठ की संस्था थी, लेकिन संस्था का काम आज पूरे देश के अंदर दिख रहा, और छोटे काशी के अंदर गांव सुई का नाम भी चमक रहा, और कहीं ना कहीं सार्थक काम दिख रहा जिंदल परिवार के द्वारा। जैन सिंह से अजनक पंकज सोनी के खास रिपोर्ट।